वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, इंडियन आइडल सीजन 12 के टॉप 4 कंटेस्टेंट आखिर कौन कौन से हैं? इस बात का खुलासा अब खुद कर दिया है मेकर्स ने। जी हाँ, आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर कौन से हैं वो टॉप 4 कंटेस्टेंट जो फिनाले में पहुंचे हैं। सुनकर हैरान रह जाएंगे आप। नाम कौन कौन से हैं वो, चलिए बताते हैं आपको टेली टॉकीज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के अंदर। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, इंडियन आइडल सीजन 12 के टॉप 4 कंटेस्टेंट डिक्लेयर कर दिए हैं बॉलीवुड लाइफ ने। जी हाँ, सूत्रों से चल चुका है पता कि कौन से हैं वो 4 कंटेस्टेंट जो फिनाले में पहुंचे। और इस लिस्ट में जिनका नाम सबसे पहले आ रहा है वो है आपकी चहेती जोड़ी अरुदीप की जोड़ी, यानी कि पवनदीप और अरुणिता। जी हाँ, पवनदीप और अरुणिता दोनों पहुंच चुके हैं फिनाले में। लेकिन इसके अलावा कौन से वो दो नाम हैं जिन्होंने फिनाले में अपनी जगह बनाई है, दिल थाम कर सुनिए जना। और इस लिस्ट में जिसका नाम आ रहा है सबसे ऊपर वो है कंटेस्टेंट सियाली कांबले। जी हाँ, सियाली की गायकी बहुत ही शानदार है, लोगों को उनकी आवाज, उनके सुर, उनकी तान बहुत पसंद आती है। यही वजह है कि सियाली भी पहुंच गई हैं इंडियन आइडल के फिनाले के अंदर। और चौथा नाम वो है कोई और नहीं बल्कि पवनदीप का यार, यानी कि आशीष कुलकर्णी। जी हाँ दोस्तों, आशीष कुलकर्णी इंडियन आइडल सीजन 12 में पहुंचने वाले चौथे फाइनलिस्ट बने हैं, यानी कि शो से आउट हो चुके हैं दानिश मोहम्मद, निहाल तारो और शनमुख प्रिया। दोस्तों, इन चारों में से किसको करने वाले हैं आप जमकर वोट, हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप बिल्कुल ना भूलें।